गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 15 कराने जा रही हूँ। बच्चों, ये थोड़ा सा देखने में देखो आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो कितना आसान है। आप देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 6x² + 5ax - 6a² है ना। अगर आप देखो तो ये द्विघाती समीकरण के रूप का है। द्विघाती समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c। देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर यानी a क्या है आपका 6, इस x का मान का b क्या है 5a, और c क्या है आपके पास, ये पूरा नंबर आपका 6a² आपका c हो गया है ना। अब हमें देखो, जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में, हमें इसमें शून्यक निकालना है और इसकी जांच करनी है। तो जो हमने पहले के क्वेश्चन में किया शून्यक निकालने के लिए, हमें वही इसमें भी करना है। क्या करना है, इस c से a को मल्टीप्लाई करो। देखो, c से a को मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, पहले नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर कितना हो गया, 6 6 36 है ना। तो हमें बीच का नंबर कैसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 5a आ जाए, है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 36 का आप एलसीएम निकाल लो। तो 36 का एलसीएम आपका आ गया, यहाँ आप देखो 36 का एलसीएम हमने निकाल लिया 2 18। फिर देखो ये रफ है, आप रफ में कर लेना इसको, 2 9 जा, फिर देखो 3 3 जा और 3 1 जा, है ना, 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 निकल आया ना, ये देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी दो नंबर हमें क्या मिल गए, एक मिल गया 6 और एक मिल गया 6। इससे 6 से, लेकिन इससे तो नहीं बनेगा, तो हम ऐसे ले सकते हैं। देखो एक ले लो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो देखो 9 और 4 9 4 जा 36 भी हो गया, और 9 और ये 4 आपका माइनस हो गया तो आपके पास 5 भी आ गया, दो नंबर हमें मिल गए। सबसे पहले क्या करो, इसको पूरा वैसे का वैसे उतार लो। देखो 6x² हमने उतार लिया, साइन प्लस का लगा दो। ये हमने नंबर क्या बनाया, हमने बनाया, लेकिन अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर भी है ना, यानी दोनों नंबर में आप एक एक ए ले लो, ए स्क्वायर है, दो स्क्वायर, दोनों में एक एक, दोनों में लग गया। तो हमने यहाँ ले लिया 9 और एक बार ए, दो ए था ना, एक ए हमने ले लिया, और x तो हमें लगाना ही रहता है। फिर माइनस का 4a और x, देखो a हमने क्यों लिया, क्योंकि दो ए थे, एक ए ले लिया। फिर यहाँ साइन माइनस का, और ये पूरे का पूरा वैसे उतार दो, ये आपका रफ वर्क है। देखो 6a² हमने ये पूरे का पूरा वैसे उतार दिया। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये दोनों यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, और इन दोनों के पास x है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लो क्योंकि दोनों से कट रहा है। 3 2 जा 6 और 2x में से 1x बाहर चला गया, 1x बचा। फिर साइन प्लस का लगा दो, 3 3 जा 9 और x बाहर जा चुका है, तो क्या बचा, a बचा, a हमने लिख दिया। यही सेम ब्रैकेट का नंबर उठा के आप इधर रख दो, यहाँ देखो, यानी 2x + 3a, ये हमने लिख दिया, ये इधर आप हटा दो इसको, है ना, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना लगे। ये हमने पूरा ब्रैकेट का नंबर उठा के यहाँ लिख दिया 2x + 3a। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा नंबर ले लें कि ये नंबर मल्टीप्लाई करने में आ जाए। यहाँ देखो पहले नंबर से चेक कर लो, x चला गया, हमने अगर यहाँ पर देखो साइन यहाँ चेंज है तो साइन यहाँ बदल जाएगा, जब यहाँ साइन इन दोनों का चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब हमें क्या लेना है, देखो अगर हम 2 और a ले लें यहाँ, है ना, 2a ले लिया हमने, तो 2 2 जा 4 हो गया और a बाहर चला गया। फिर यहाँ देखो 2 3 जा 6 और 2a था, 1a अंदर आ गया, 1a बाहर चला गया। अब हम इसको 0 के रूप में रख देते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला नंबर रख दो, देखो 2x + 3a, ये हमने लिख दिया, इसको =0 में रख दो। ऐसे इधर वाला नंबर, ये आपका क्या हो गया, देखो 3x और यहाँ पर ये माइनस का 2a, माइनस, ये माइनस है आपका, माइनस का 2a हो गया। अब इसको भी 0 के रूप में रख दो, है ना, 0 रख दिया, तो अब ये जो माइनस प्लस का नंबर है दूसरी साइड भेज दिया, तो माइनस का हो गया कितना, 2x = माइनस का 3a और x = -2
माइनस का 3 है और अपॉन में यहाँ 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये आपका एक शून्य का आपको मिल गया। अब इधर देखो, यहाँ पर ये माइनस का नंबर था दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया, यानी 2a, फिर x इक्वल्स टू 2a और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया, ये आपको दूसरा आपका शून्य मिल गया ना। अब हमें इसकी जांच करनी है, इस इन दोनों को अल्फा और बीटा बोलते हैं। देखो दो जो शून्य हो गए, अल्फा बीटा भी आगे क्वेश्चन में आप अल्फा बीटा और गामा पढ़ोगे, लेकिन अभी आप अल्फा और बीटा पढ़ो क्योंकि दो शून्य निकाल रहे हो। अब देखो हमें जांच करना है, जांच करने के लिए सूत्र लिख दो कि शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो हमने यहाँ लिख दिया, अब हमें शून्यक दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यक आपके पास कितना है, यहाँ देखो ये माइनस 3a और बटे में 2, योगफल निकालना है तो प्लस का साइन हो गया, यहाँ 2a और बटे में 3। अब दोनों नंबर हैं दोनों का, दोनों चेंज है, एलसीएम देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है तो एलसीएम इसका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया 2 3 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन देखो माइनस का, और 3 3 9 यानी 9 और 9a हो गया, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा दो देखो 3 2 ज़ा, और यहाँ पर भी ऐसे आप छोटा सा मल्टीप्लाई करके दिखा देना कॉपी में, तो यहाँ देखो 2 2 ज़ा क्योंकि 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो ऊपर भी 2 2 ज़ा 4 और 4a, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का, 9 बड़ा है ना, बड़े के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आ गया, और 9 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 5 5a और अपॉन में 6। अब देखो ये इसके बराबर है कि नहीं, माइनस पहले तो माइनस का साइन लगा दो क्योंकि माइनस है, अब एक्स का गुणांक इसमें कितना है, एक्स का गुणांक है हमारे पास 5a, तो हमने यहाँ लिख दिया 5a। देखो ये एक्स का गुणांक है, आप यहाँ देखो ये एक्स का गुणांक है ना 5a, प्लस में है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 5a और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। देखो दोनों बराबर हो गए ना, ये दोनों बराबर हो गए, हमें यही सिद्ध करना था। अब दूसरा निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल वो बराबर होगा आपका अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं, देखो कितना क्या शून्यक थे आपके पास, माइनस 3a और बटे में कितना 2, गुणनफल है तो मल्टीप्लाई कर हाँ बच्चों मेरा गला ख़राब है थोड़ा, तो देखो आवाज़ लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। फिर कितना दूसरा शून्य का हमारे पास 2a और अपॉन में 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कटेगा तो कोई नंबर नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 ज़ा नीचे आ गया 6 और ऊपर देखो 3 3 2 ज़ा 6 यहाँ पर भी, और a मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर हो गया, साइन माइनस का हो गया, ये देखो 3 2 ज़ा 6 साइन माइनस का और ए स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं अचर पद हमारे पास कितना है, अचर पद यानी लास्ट वाला नंबर, ये देखो ये अचर पद है ना, ये माइनस का ए स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कितना है 6 है, वही सेम हमारा नंबर बन गया है यहाँ पर, देखो ये हो गया अचर पद का कितना माइनस 6a² और एक्स का गुणांक कितना 6 था, ये दोनों बराबर हो गया है ना, यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों वीडियो चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो वीडियो का है ना, और मैं आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी। बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।